पुलिस ने मुलविस मिलिटेंट का खाका जारी किया। इत्तला देने वाले के लिए 20 लाख रुपयों के इनाम का किया गया ऐलान। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रियासती बस हमले में मुलविस मिलिटेंट का खाका जारी किया है और उसके मुतालिक इत्तला देने वाले को 20 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। बता दें कि रियासती जिला के कांडा इलाके में इतवार की शाम मिलिटेंटों ने एक यात्रा गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 9 यात्री जान बहक जबकि 33 दीकर जख्मी हो गए। एक पुलिस तर्जमान ने बताया कि रियासती पुलिस ने इस हमले में मुलविस दहशतगर्द का खाका जारी किया है और उसके बारे में इत्तला फराहम करने वाले को 20 लाख रुपयों का इनाम देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द का खाका ऐनी शाहिदीन की तरफ से फराहम तफसीलात की बुनियादों पर तैयार किया गया है। दरअसना रियासती हमले में मुलविस दहशतगर्द की तलाश के लिए इलाके में वसी पैमाने पर ऑपरेशन जारी किया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस की 11 टीमें काम पर लगी हुई है।